तो सबसे पहले मैं आपको एक भटूरे को फुलाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल बलून के जैसे फूल गया है भटूरा। कितना बढ़िया भटूरा लग रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार के जैसा भटूरा। तो इन फूले फूले भटूरों को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए इन भटूरों को बनाना शुरू करते हैं। अभी आपने देखा है कि कितना फूला फूला भटूरा बन के आया था। तो इन फूले फूले भटूरों को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान देना होता है जो आपको इस वीडियो में पूरी तरह से मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस भटूरे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए भटूरा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भटूरे की मैदा मलने के लिए 1 कप मैदा लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी, आधा टीस्पून खाने का सोडा, थोड़ा सा नमक, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल मैदा में हर तरफ अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दही बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का दही यूज़ करना है। तो दही को पहले से ही फ्रिज से निकाल कर रखें और रूम टेम्परेचर पे जब दही हो तभी आप उसे मैदा में डालें। दही डालने के बाद हम दही को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं इसे मसलते हुए मल रही हूँ इसी तरह से हमें दही को मिक्स करना है। दही हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर पानी हमें हल्का सा गर्म यूज़ करना है। चाहे आप सर्दियों में बनाएं चाहे आप गर्मियों में बनाएं, आपको इसका मैदा मलने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी ही यूज़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम काफ़ी सॉफ्ट नरम आटा लगाकर तैयार करेंगे। भटूरे की मैदा लगकर तैयार हो गई है। तो इसे फर्मेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हॉट केस लिया है जिसमें हम रोटी रखते हैं बना के, बिल्कुल वैसा ही बर्तन है। इसमें हम इसके नीचे ऑयल लगा देंगे जिससे कि मैदा फर्मेंट होने के बाद इस पर इसकी तली पे चिपके नहीं। मली हुई मैदा रखेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है, यह हल्का सा गीला कपड़ा है, लेकिन ये गीला भी आपको गर्म पानी से करना है। गर्म पानी से कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लें और उसके बाद इसे इस तरह से कवर कर दें। अब हम इसे बंद कर देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद हम मैदा को चेक कर लेते हैं। तो मैदा हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट और फूल गई होगी और अच्छे से इसमें लचक भी आ गई होगी। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है मैदा। तो अब हम इसे अच्छे से एक बार चिकना बना लेंगे। मैदा हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी लोइयां बनाते हैं। तो जितने भी साइज़ का भटूरा आपको बनाना है, अगर आप छोटे भटूरे बनाना चाहें तो छोटी लोई लें, या बड़े भटूरे बनाना चाहें तो थोड़ी बड़ी लोई तोड़ें। तो हम अपने साइज़ के हिसाब से इसकी लोइयाँ तोड़कर तैयार करेंगे। तो यहाँ बहुत ज़रूरी बात है, आपको लोई कैसे बनानी है। तो लोई बिल्कुल भी फटी फटी नहीं होनी चाहिए, या जिस साइड जोड़ दिखता है ऐसा हमें लोई को नहीं रखना है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से प्लेटें बनाते हुए इसके जो जितनी भी फटी फटा हिस्सा है या जितनी भी प्लेट्स आ रही हैं उन्हें मैं इस तरह से ऊपर उठाते हुए घुमा रही हूँ। देखिए, सभी तरफ से मैं इसे घुमा कर इसकी जितनी भी प्लेट्स थी या फटा फटा हिस्सा था इस तरह से मैंने इसे निकाल दिया। ये देखिए, जितनी भी प्लेट्स थी इसकी मैंने अलग कर दी हैं। अब हम इसे अच्छे से चिकना बनाएंगे। ऐसा करने से ये होगा कि दोनों ही साइड से हमारी जो लोई है वो चिकनी हो जाएगी, तो इससे भटूरे अच्छे फूल के आएंगे। तो ये देखिए, ये इस साइड से भी बहुत अच्छे से चिकनी हो गई है और इस साइड से भी, इसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं है। तो दोनों साइड से अच्छे से चिकनी हो गई है लोई। तो ये हमारी लोई तैयार है।
इसे बेलने के लिए इस पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसे हम बेलना शुरू करेंगे। चाहे आप इसे गोल शेप में बेलें या लंबे शेप में बेलें, मैंने यहाँ पर भटूरे को लंबे शेप में बेला है। भटूरा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए ऑयल देखते हैं। ऑयल को हमने पहले ही हाई फ्लेम पर गर्म होने रखा था, तो हम भटूरे को इसमें तभी डालेंगे जब तेल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा। बिल्कुल अगर आप हल्के गर्म तेल में भटूरा डालेंगे तो भटूरा बिल्कुल बेकार बनेगा। तो जब ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए, अच्छे से उसमें धुआँ दिखने लगे, तभी आपका ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है भटूरा डालने के लिए। तो अब हम इसमें भटूरा डालते हैं। कलछी की मदद से हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे और थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से फूल गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। इसे पलट देंगे जिससे दूसरी साइड से भी ये अच्छे से सिक जाए। इसे पलटते समय बहुत सावधानी रखें। ये देखिए दोनों ही साइड से अच्छे से सिक जाएगा भटूरा। हमारा भटूरा बनकर तैयार है। छोलों के साथ आप इसे सर्व करें।